ऑटो से निकल मतलब जा रहे हैं घर, जाएंगे डायरेक्ट सिमल के घर जाएंगे। और बेबी बॉय बेबी गर्ल पकड़ी हुई है वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अभी चाय वैसा से मॉर्निंग स्टार्ट हुआ हमारा, तो घर का काम वो सारा कंप्लीट करके हम लोग अभी निकले हैं नाश्ता के लिए। तो जा रहे हैं नाश्ता के लिए, क्या नाश्ता घर में मतलब सब्जी भी कुछ भी घर में कुछ नहीं है, मतलब घर में आ, तो उस वजह से मैं बना कुछ खिला के सबसे तो हम बोला कि चलिए उधर जाते मार्केट तरह खाने। हाँ मार्केट में एक दिन का बात है, बेचारी को क्या इतना हेडेक देंगे, ये बना वो बना, तो हम चलो बाहर में कुछ खा लेते हैं और फिर नाश्ता वास्ता करके फिर घर आएंगे। फिर जाएंगे सिमल भाई के घर, मेरा उसका घर भी जाना है। मैं गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा दीदी आई मेरा घर नहीं आई, तो इसलिए जा रहे पहले नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। अब पीहू के लिए हमको जाना पड़ रहा है, हम सोचे थे पहले उधर ही जाएंगे, उधर जाके नाश्ता वास्ता कर लेंगे। सिमल को बोलेगा कुछ नाश्ता वास्ता बनाने के लिए, लेकिन पीहू इतना परेशान कर रही, रो रही है, भूख लग रहा है और टाइम भी हो गया ना पीहू का, दो है तो उसको बहुत भूख लग रहा है, तो इसीलिए उसी के वजह से हम लोग को जाना पड़ रहा है, नहीं तो हम तो सोचे थे वहीं जाके नाश्ता कर लेंगे। तो इसीलिए चलिए चलते हैं, उसके बाद फिर आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ से तो पैदल जाना होगा वहाँ तक, वहाँ से फिर टोटो में जाना होगा। मौसम भी भैया को बुलाया है फोन करके, रोहित का तो उसको बुलाया कि आओ थोड़ा सा पहुँचा दो बोल करके, मतलब फोन करने से आ जाता है। हाँ आ जाता है, रोहित का साथ हिसाब किताब हो जाता पैसे का। तो चलिए हम लोग निकलते हैं, बच्चे मेरे को भी भूख लग गया, कल से चोटी किए हुए देखिए ना चोटी, अभी तो हम खोले नहीं। मनीषा को बोले चोटी खोल दे, तो बोले नहीं दीदी रहने दीजिए अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए खोले नहीं। तो चलिए चलते हैं और फिर वहीं पहुँच गए। और पहले बात तो हम क्या बोलते हैं भाई सिमल के घर जाने वाले थे, तो हम पहले रजनी दी को फ़ोन किए कि रजनी दी नाश्ता वास्ता हुआ, नाश्ता वास्ता किए, तो रजनी दी फिर अपना मतलब थोड़ा तकलीफ था उनका, मतलब बता रही थी आप पर्सनल बात हम कैसे बताएंगे आप लोगों को, तो पानी उनी बोलती नहीं भरा है, नाश्ता वास्ता भी नहीं किया, तो हम बोले क्या करेंगे, तो चलो हम लोग जाते हैं। पानी बारिश स्टार्ट हो रहा लग रहा, चलो पी जल्दी जल्दी चलो, तो हम बोले ठीक है चलो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं जाके, फिर उधर फिर जाएंगे। तो चलिए ऑटो ऑटो बैठ जाते हैं, हम लोग पहुँच गए हैं नाश्ता करने के लिए। और ये रहा डोसा का दुकान, तो अभी समझ में नहीं आता क्या खाएंगे। मनीषा बोली छोला भटूरा है दीदी, छोला भटूरा खा लीजिए, तो हम लोग नहीं रात में मोमोज खाए थे और पेट मेरा गड़बड़ा गया तो नहीं खाएंगे, तो डोसा उससे हम पूछे वो क्या खाएगी, तो बोली डोसा खाएंगे दीदी, तो हमने ठीक है चलो हम भी खा लेते डोसा खा लेंगे दोनों एक एक, और रजनी दी के लिए पास्ता करवा लेंगे। नाश्ता हो गया और अब हम लोग फिर टोटो से निकल जा रहे हैं घर, जाएंगे डायरेक्ट सिमल के घर जाएंगे। और रजनी के लिए डोसा लिया है खाई के बोले से था, और मनीषा पीहू को मिठाई खाने का बहुत मन करता, रसगुल्ला खाएगी रसगुल्ला खाएगी, तो रसगुल्ला अपने ले ली है छोटा छोटा, देखिए रसमलाई है रसमलाई रसमलाई ली है अपने लिए, और ये दो तो मीठा ली थी, वो मीठा का नाम नहीं पता मेरे को, तो वो उसको बहुत पसंद आया तो ले लिए वो, तो चलिए अब चलते हैं। बैठते हैं अभी रसमलाई लाए हैं वो सबको खिला देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं।
99 में हम चाय वैसे जब भी आते हैं 99 में आते ही है क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है सामान सब 99 में इतना अच्छे से मिलता है। इससे बड़ा है गमला तो इससे भी बड़ा है। हाँ, नहीं इससे बड़ा नहीं है पूजा जी का भी कपड़ा देख रही है ले जाएगा अच्छा लग रहा बट गंदा थोड़ा लग रहा है। कलर थोड़ा ऐसा रह जाता है थोड़ा हल्का में है अच्छा लग रहा है गर्मी के लिए ठीक है। इसमें ना बड़ा इनर पहनना होगा ये भी 99 हाँ 100 रुपए का टॉप है अच्छा ही लग रहा है वहाँ से यहाँ गए अभी शॉपिंग करने के लिए पीयू की हम जो खोज रहे थे फाइनली मेरे को वो मिल गए। हम अपने कदमा में खोजे हमको नहीं मिले लेकिन यहाँ पे 99 में मिल गया बहुत अच्छा आइसक्रीम का। पीयू आइसक्रीम बहुत खाना पसंद करती है तो हम घर में ही बना के उसको खिलाएंगे। देखिए बहुत पीयू बनाएगी ना पीयू आइसक्रीम टेस्टी बनाएगी ना इधर देखिए और एक तो है वो भी अच्छा लग रहा है लेकिन उसका एक एक नहीं है कपड़ों बेटा हम दिखा रहे मासी को यहाँ पर देख सकते सब ये भी बहुत खूबसूरत है लेकिन इसका एक नहीं है छाता टाइप का है ना एक नहीं है इसका तो इसीलिए वही वाला ले लेते हैं अच्छा लग रहा है। और भी देख रहे हैं कुछ कुछ जो लेंगे आप लोगों को दिखाएंगे आगे और भी है लेकिन आगे नहीं जा रहा हूँ जहाँ पंखा मुझे देखा रखा है चलो बने रहो ब्लॉग में। अभी हम लोग आए हैं बस स्टैंड या बस स्टैंड के सामने या होटल है वहाँ पे आए 99 से सामान वहाँ ले लिए थे उसके बाद अभी रजनी दी को घर जाना है तो रजनी दी को छोड़ने के लिए हम लोग सब आए बस स्टैंड रजनी दी और अंकिता वो लोग घर जाएंगे तो खाने का कुछ है नहीं क्या खाएंगे समझ में नहीं आया तो समोसा ही है सिर्फ तो समोसा ही खाएँगे ठीक है चलिए हम लोग खा लेते हैं बस ना इंसाफी की आप हम लोग के साथ हम लोग आए तो आप हम लोग को छोड़ के भाग रहे कैसे कैसे बोल रही है कल रात तक क्यों नहीं आई हाँ कैसे बोल रही है निकल बस तू छोड़ेगा निकल जाना तो घुसेगी नहीं नहीं यहाँ घुस मंगलवार को मिलेंगे ठीक है हाँ पक्का चलो जैसे रूम तो ऊपर अच्छा से गेट उठ बना हाँ जैसे कि टूटे ना हम लोग को देखे ना चलो चलो जैसे फोन कर रहा है हम लोग आ गए मॉल से और मॉल से क्या क्या लेके आए आप लोग देखिए मॉल गए थे ना हम लोग अभी मॉल साई नहीं बोले मॉल बोले और ये डब्बा लेके आए हैं देखिए खोल भाई डब्बा खोल ले रहा देखिए कितना मस्त डब्बा मेरे को मिल गया हम डब्बा खोज रहे थे ऐसे मूढ़ी के लिए इतना मस्त डब्बा मेरे को मिल गया 50 रुपये का मूढ़ी आ जाएगा इसमें और देखिए ये लिया कटोरा 3 कटोरा 1 2 3 ये साइज का ना कटोरा चाहिए था बाबू बोले ये साइज का कटोरा लेना तो ये था ना एक ही पीस बचा था इसमें 99 में 2 था तो एक पीस लिए तो 50 में मिला मेरे को और ये 3 लिए देखिए 3 ये 3 तो 99 में अच्छा हल्का नहीं है मजबूत है अच्छा मिल गया और प्यू ये लिए रबड़ एक बैग है और इसमें है आइसक्रीम वाला जो आप लोगों को हम दिखाए थे वही है आइसक्रीम वाला बहुत मस्त इसमें आइसक्रीम बनाएंगे घर जाके ही आइसक्रीम बनाएंगे इसमें बहुत मस्त यहाँ भाई का यहाँ फ्रिज रहता है घर में तो यहीं पे बना लेता है आइसक्रीम
हो जाएगा और कुछ दिन का बाद और कुछ दिन के बाद सब होगा मेरा भाई का। तो बस ये इतने ही लिए हैं, ये रहा। तो कैसा लगा हमारा सामान? इतना ही थोड़ा मोड़ा, और जो गमला सब देखे थे तो फ्रेंड बहुत अच्छा अच्छा था, तो नहीं हम लिए, बाद में लेंगे, आएंगे ना बीच में फिर एक बार तो लेके जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर गमला था। तो फिर चलिए ब्लॉग यहाँ पे एंड करते आए हो। पचका ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।